अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज है हमारे यहाँ पर रमज़ान के जुम्मे की ये रात, मतलब जुमे रात की रात है और नेक्स्ट डे जो है हमारा जुम्मा है जी। तो बीच में अज़ान शुरू हो गई थी, फिर मैंने रोक दी थी अपनी वॉइस ओवर करना। तो खैर नेक्स्ट डे जुम्मा है, मैंने कहा चलें थोड़ी सी क्रॉकरी और थोड़ी सी ग्रॉसरी कर आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें लेने के लिए मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई। तो यहाँ पर मैंने कहा चलें कोई देने दिलाने वाले कपड़े भी देख लेते हैं जिनको देने हैं, बंदा टाइम पर जल्दी दे दे, ताकि ये है कि फिर टेलर्स के भी बड़े मुंह बन जाते हैं, नखरे हो जाते हैं कि जी अभी नहीं बने और ये वो, यहाँ भी हम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा चलें शुरू में ही कर लेते हैं सब। और मैं किसी स्टोर पर जाऊँ तो वहाँ से मुझे क्रॉकरी ना पसंद आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि लेडीज़ की कमज़ोरी ही क्रॉसरी और ग्रॉसरी ये दोनों चीज़ें होती हैं। खैर वो हम लेकर आए, जो थोड़ा बहुत सामान लेना था वो लेने के बाद यहाँ पर मेरी बेटी आप लोगों को ये बता रही थी, उसको जो है वो जाहिर सी बात है क्लिप्स काफ़ी सारे देख रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं गज़ा के उसके टॉपिक के ऊपर, और माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी बातें बोल रही थी, लेकिन ये है कि वो मैं यहाँ पर अभी डाले नहीं क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा था। खैर उसके बाद जो है ये हमने सहरी बनाई, सहरी का टाइम शुरू हो गया था, तो ये हमने कहा सहरी करते हैं थोड़ी बहुत, मेरी एक सिस्टर भी आ गई थी, हम लोगों ने बैठ कर साथ जो है वो सहरी करी। और नेक्स्ट डे अब ये हो गया है जुम्मे का दिन, मतलब जुम्मा स्टार्ट तो वैसे हो ही जाता है हमारा, मगरिब के बाद जो है जुम्मा ही होता है। तो मेरी बेटी ने ये थोड़ा बहुत जो है अहतमाम किया ख़ास जुम्मे के लिए, कि उन्होंने कहा नहीं मम्मा आज का दिन जो है बहुत स्पेशल है, एक तो फ्राइडे है और वो भी रमज़ान का फ्राइडे। तो खैर ये हम लोगों ने सब अफ्तारी बनाई मैंने घर में, ये सारी जो है चीज़ें मेरी बेटी लगा रही थी, मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, बना के आज मैंने थोड़ा जल्दी बना लिया। पहले रोज़े में तो इतना मसला हो गया था मेरे लिए कि एंड टाइम तक जो है मैं किचन में थी, बस जल्दी जल्दी बना बना के बच्चों के लिए सामान दिया कि फटाफट बस आप लोग रख दें डाइनिंग टेबल पे। आज तो मैंने इत्मीनान से कि भाई जुम्मा था तो सुबह से जो है वो जुम्मे की तैयारी हो रही थी, जी आज जुम्मा है माशाल्लाह, एक अलग ही खुशी थी रमज़ान के जुम्मे की, वो भी पहला जुम्मा। तो खैर हमने ये सारी चीज़ें वीज़े बनाई, छोटी बेटी ने मेरी जो है ये सारी थोड़ा सा सजावट वगैरह करी, वो सामान और भी लेने गई थी, लेकिन ये है कि उन्हें बस जल्दी जल्दी में जो थोड़ा बहुत मिला वो ये लेकर आ गई। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हमने जुमे का दिन अपना और जुमे की सहरी और जुमे की अफ्तारी कैसी करी। तो ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, देखें आप लोग भी और बताएं आप लोगों को कैसा लगा। अल्लाह पाक जो है सबके दस्तरखानों में बरकत दे, खूब बरकत दे, और खूब जो है लोगों के घरों में खैर व बरकत आए रमज़ान के महीने के सदक़े, आमीन। तो बस हमारी दुआएं जो हैं सबके साथ हैं, हमारे ख़ास तौर पे फ़लस्तीन भाइयों के साथ साथ हैं, अल्लाह पाक उनके भी जो है सारी परेशानियां दुख दर्द सब दूर करे, अल्लाह पाक उन पर अपना रहम व करम फरमा इस महीने के सदक़े। तो खैर ये सारा सामान वामान करके मुझे जल्दी जल्दी था कि जल्दी से जो है मैं अपना मगरिब की नमाज़ से पहले जो है वो सूरह काफ़ भी पढ़ लूँ, सूरह कैफ़ पढ़ लूँ, और थोड़ी सी जो है कुरान पाक की तिलावत कर लूँ, वरना टाइम ही नहीं मिलता डेली। तो बना रहे हैं ड्राइवर की और उसकी जो है चौकीदार वगैरह की, गार्ड वगैरह की, तो प्लेट बन रही है गार्ड और ड्राइवर की, ये एक हो गई ड्राइवर की और एक गार्ड की बनाएंगे हम, सामो प्लेट लेकर लाके दूँगी दूसरी। तो अपना सारा काम वगैरह करने के बाद मम्मा यहाँ पर सिपारा पढ़ रही हैं। और एक बात जी, तो मैं ये कह रही थी कि हमें अपने फ़लस्तीन के बहन भाइयों को नहीं भूलना है, अपनी दुआओं में याद रखना है, और अल्लाह ताला से ये फरियाद करनी है कि उनको जालिम लोगों के जो जुल्म है उससे बचाएं, और अपनी रहमत से, मतलब अल्लाह पाक अपनी रहमत के ज़रिए उस कौम को निजात अता फरमाएँ, आमीन। और अल्लाह पाक गैब से उनके लिए मदद भेज दें। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आप मेरी बेटी ये बात कह रही थी, और वाकई जो है आप ना अपनी सहरी में, सहरी करते हुए आप जो है अपनी अफ्तारी करते हुए, अफ्तारी से पहले के जो है अल्लाह पाक कहता है कि मैं वो सारे बोल आप जो भी दुआ मांगते हैं मैं उसे फ़ौरन से कबूल करता हूँ। तो आप सब लोग हमारे जो है ना वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए प्लीज़ अपनी दुआ में उन्हें लाजमी याद रखा करें, क्योंकि जो उनकी अब वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें जो सब आती हैं ना, तो आप लोग यकीन करें वाकई नहीं देखी जाती। तो बस हमें अपनी साथ दुआओं में उनको भी अपने साथ साथ जो है हमेशा शामिल रखना है। अल्लाह पाक हमें ख़ुद भी सारी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, कि हम अच्छे से अपने
नमाज, रोज़ा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर पाएँ। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ आप लोग अपनी दुआओं के साथ साथ मुझे भी नाम लेकर अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा।